तो दोस्तों आज मैं साइट पर पहुँचते ही है जो लेके आ चुका हूँ 15 लीटर की एक आयल की पीपी भरी हुई। तो अब है जो अपन ने कर दिया आयल लगाना। तो हमारे चादर है जो धूप की वजह से है जो देख सकते हो आप लोग कैसे चमक रहे हैं आयल लगाने के बाद में। तो अब है जो अपन आयल लगाने के बाद में मैं आ चुका हूँ बोर्ड की तरफ। तो अब है जो अपन ने है जो गावड़ी लगाई थी कल इनके भी जो चित्र से है जो आयल को है जो लगा दिया दोस्तों। और आयल लगने के बाद में है जो अपन ने है जो सरे का काम भी है जो स्टार्ट कर दिया। तो अब है जो अपन करेंगे इन सरे को सीधा और फिर है जो अपन थोड़ी बहुत कटिंग करके जो लेके आ चुके हैं रिंगे बना के। तो ये रिंगे कितने की है ये मैं भी आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहले है जो मैं लेता हूँ अपन है जो ये 40 फीट का है जो बीम पूरा बांध दिया एकदम। इस पर है जो अपन ने है जो लगाई है इंच टाइप से मैं आप लोगों को नाप के बताता हूँ दोस्तों। तो अपन ने इसकी रिंग है जो बांधी है 7-7 इंच पर। तो पूरी रिंगे के है जो मैंने निशान लगाए 7-7 इंच पर और अभी अपन ने जो बांध दिए इसको 7 इंच पर। तो अपन ने जो ये 7 इंच पर बांधने के बाद में ये वाली जो रिंग है इसको मैं आप लोगों को नाप के बताता हूँ। तो ये अपन ने बनाई है 13x9 की क्योंकि 1x1 का भीम है अपना इस वजह से जो अपन ने 13x9 की है जो ये बनाई भी रिंग। तो अब है जो अपन रखेंगे इसको भीम के अंदर। तो ये है जो अपनी रिंग है इसके नीचे है जो 2 इंच कवर लगेगा और ये हो जाएगी इतनी ऊपर। तो और इतनी ऊपर होने के बाद में है जो छत की गिट्टी आएगी 6 इंच। इस वजह से अपन ने इसको थोड़ा छोटा रखा है दोस्तों क्योंकि अपन को है जो फिर दिखेगी नहीं है अच्छी तरह से जो गिट्टी सीमेंट में है जो दब जाएगी है। और अब है जो अपन ने सरे को है जो नीचे सीधा किया जा रहा है अच्छी तरह से। तो इन सरे को सीधा करने के बाद में है जो अपन पार्ले बीम के रहेंगे। और अब है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक और नया तरीका। तो चलते हैं। तो जैसे कि ये अपना कॉलम है दोस्तों तो इस कॉलम से है जो अपन ने 2.5 फीट जगह छोड़ के है जो इसके नीचे है जो दो रोड है जो और बांधी है दोस्तों। ये भी है जो अपनी 16 mm वाले सरे की है। तो इसमें टोटल हो गए पूरे 6 सरे। तो बीच में है जो उधर वाले कॉलम से भी है जो अपन ने 2.5 फीट जगह छोड़ी है दोस्तों है ना इधर से भी और उधर से भी। और बीचा बीच में है जो अपन ने 2 सरे है जो और लगाए एक्स्ट्रा। ये अपन को है जो इंजीनियर ने बताया कि इसका जो बीच का वजन पड़ेगा इसके ऊपर। तो ये है जो अपना बबलिंग नहीं मारेगा बीच में से इस वजह से जो इसके अंदर है जो 2 सरे है जो ज़्यादा लगाए दोस्तों इन्होंने। और ऐसा अपन ने है जो इन वाले बीम में भी जो किया है दोस्तों इधर के कॉलम से भी है जो इधर 2.5 फीट जगह छोड़ा है और उधर के कॉलम से भी है जो ये अपनी 2.5 फीट है जो जगह छोड़ी अपने इस सब में है जो अपन ने कंप्लीट कर दिया इसको अच्छी तरह से। अब ये कंप्लीट होने के बाद में अपन चलते हैं आगे की तरफ। तो अपन ने आगे का भीम है जो बांधना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। तो ये वाला भीम भी जो वही है इस पर भी है जो अपन ने 7 इंच की दूरी पर है जो लगाई है रिंग और साथ में है जो इधर का 1 फीट छोड़ दिया दीवार का। और अब है जो अपन ने है जो इसको कच्चा कर रहे हैं पहले तो। और ये वाला रहा भीम वो। तो अपन है जो इसको बांधने के बाद में है जो हमारी हालत देख सकते हो आप लोग कैसी हो चुकी है दोस्तों धूप में। और ये बांधने के बाद में है जो अपन आ चुके हैं पार्टली पर। तो अब ये फ्री होने के बाद में है जो ये देख सकते हो आप लोग पूरा हो चुका है कम्प्लीट अपना। तो अब है जो अपन आ चुके हैं पार्टली के पास। तो अब है जो अपन पार्टली बांधेंगे और ये पार्टली का है जो कितने इंच पर है जो अपन ने रिंग लगाया है और कितने इंच की रिंग अपन ने बनाई है वो जानने के लिए मैं आप लोग को बाद में बताऊँगा अगले वाले ब्लॉग में। तो फिर अपन ने जो सामान रखे अपने और फिर है जो अपन चलते हैं अपने सामान लेने। तो अपन है जो अपने सामान ले रहे दोस्तों रुमाल रुमाल। और अब है जो अपन चलते हैं नीचे और आधी जानकारी है जो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा और चलते हैं कल मिलेंगे ठीक है। तो गुड बाय दोस्तों और लाइक और फॉलो ज़रूर करें।